नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तन मन धन में। आज मैं आपको बताऊंगा ऑलिव ऑयल के बारे में। ऑलिव ऑयल क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट हैं और एक अच्छा ऑलिव ऑयल कैसे पहचाने, तो इन सभी बातों को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले पता चल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ ये तीन ब्रांड और मैं कंपेयर करके बताऊंगा इन तीनों में से ही आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। पहला ब्रांड है डेल मोंटे क्लासिक ऑलिव ऑयल और दूसरा वाला है फिगारो ऑलिव ऑयल और तीसरा वाला है दोस्तों ओलिग्रो ऑलिव ऑयल। अब बात करते हैं ऑलिव ऑयल के बारे में। दोस्तों, ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल। ये एक स्वास्थ्यवर्धक तेल है और इस तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में, स्किन पर लगाने में किया जाता है। इस तेल का इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करता है, कई बीमारियों में फ़ायदेमंद है और खूबसूरती को निखारने में भी इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप ऑलिव ऑयल खरीदें तो उसके इंग्रेडिएंट्स पर ज़रूर गौर करें, वरना आप ऑलिव ऑयल के नाम पे धोखा खा सकते हैं और हमेशा एक अच्छे ब्रांड का ही ऑलिव ऑयल परचेज करना चाहिए। आजकल ऑलिव ऑयल में भी बहुत सारे वेरियंट आ गए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ करें, उन सभी के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे डेल मोंटे ऑलिव ऑयल की। दोस्तों, ये है डेल मोंटे क्लासिक ऑलिव ऑयल और ये स्पेन में बना है और काफ़ी पुराना ब्रांड है। 1892 से मार्केट में मौजूद है और ये 100 ml का पैक है और इसका प्राइस है 125 rupees और इसे इम्पोर्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके इंग्रेडिएंट देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें लिया गया है रिफाइंड ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये दो तेलों को मिक्स करके इसे तैयार किया गया है। अब बात करते हैं सेकेंड वाले की, जो है फिगारो ऑलिव ऑयल। दोस्तों, ये भी एक स्पेनिश ब्रांड है और 1919 से मार्केट में अवेलेबल है और ये भी 100 ml का पैक है, इसे इम्पोर्ट किया जाता है। इसका प्राइस है 150 rupees। इसके इंग्रेडिएंट देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें है ऑलिव ऑयल। बाकी कुछ इसमें बताया नहीं गया है कि ये कौन सा ऑलिव ऑयल है और वर्जिन ऑलिव ऑयल है या फिर है ये रिफाइंड ऑलिव ऑयल, बस यहाँ पर ऑलिव ऑयल ही लिखा है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम तीसरे प्रोडक्ट की। ये भी ऑलिव ऑयल है और ये है ओलिग्रो ऑलिव ऑयल विथ विटामिन ई। दोस्तों, ये एक इंडियन ब्रांड है, 100 ml का पैक ये भी है। इसे अब ओपन करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बाहर थोड़ा आउटर पैकिंग के साथ आता है तो अंदर से कैसा दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस टाइप की प्लास्टिक की बोतल है और अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्राइस की, तो ये 95 rupees में आपको मार्केट में मिल जाता है। 2 साल तक ये ख़राब नहीं होता, वैसे ये तीनों ही 2 साल तक ख़राब नहीं होते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है दोस्तों सनफ्लावर ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, स्वीट एलमंड ऑयल, विटामिन ई, परफ्यूम है। अब आप बताएं कि ऑलिव ऑयल के नाम पर ये सब इसमें डाल दिया गया है और वर्जिन ऑलिव ऑयल भी कितनी मात्रा में मिलाया गया है वो भी ठीक से बताया नहीं गया है। तो जब भी परचेज करें तो बस ऑलिव ऑयल का नाम ही ना देखें, इंग्रेडिएंट्स भी पूरी तरह से पढ़ लें और एक बेस्ट ऑलिव ऑयल ही खरीदें। इसकी पैकेजिंग भी देखें तो ये देखिए डेल मोंटे की पैकिंग है, तो यहाँ से आपको इसे ओपन करना पड़ेगा और ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिगारो है, इसकी भी बकायदा सील आती है, लेकिन ये इंडियन ब्रांड है और ये देखिए यहाँ से आप एक झटके के साथ इसे खोल सकते हैं, कोई सील वगैरह इसमें नहीं है। तो पैकेजिंग वाइज भी ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं और ऑलिव ऑयल के नाम पे तो ये बिल्कुल भी इसे आप यूज़ मत करें, क्योंकि ये दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और अगर आपको ऑलिव ऑयल स्किन पे लगाना है या फिर मालिश करनी है तो ये दो बेस्ट रहेंगे, या तो आप डेल मोंटे ले लीजिए या फिर फिगारो ले लीजिए। फिगारो का मैंने रिव्यू वीडियो पहले भी बनाया है और लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको खाना बनाना है, वो अगर आप देख रहे हैं कोई ऐसा ऑलिव ऑयल जो खाने में यूज किया जाए, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है कुकिंग के लिए। और इन सभी का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप इन्हें डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई शिकायत है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना कीमती समय देने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।